नरसंहार, लाशों के ढेर और चीख पुकार, कंगाली, बदहाली और तबाही का मंजर। यह है इजराइल गाजा का भयावह युद्ध सफर। देखिए इजराइल गाजा युद्ध पर खास रिपोर्ट। लाशों के ढेरों पर खुश होते इन लड़ाकों में इंसानियत का ये कौन सा रूप है? इजराइल और गाजा में जो कुछ हो रहा है वो पूरी मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और मौके के इंतजार में बैठे कई मतलबी देश इस दशा को विश्व युद्ध की कगार तक पहुंचा चुके हैं। पूरे गाजा में इजराइल के आक्रमण में लगभग 36,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल ने यह अभियान तब शुरू किया जब हमास के नेतृत्व वाले उग्रवादियों ने पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायली समुदायों पर हमला किया था, जिसमें इजरायली आंकड़ों के अनुसार लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। हमास ने अब कहा है कि उसने मध्यस्थों से ये भी कहा कि वे चल रहे आक्रमण के कारण इस दौरान और अधिक वार्ता में भाग नहीं लेगा, लेकिन यदि इजराइल युद्ध रोक देता है तो वो बंधकों और कैदियों की अदला बदली सहित पूर्ण समझौते के लिए तैयार भी है। गाजा युद्ध में इजराइल और इस्लामवादी आंदोलन के बीच युद्ध विराम की व्यवस्था करने के लिए मिस्र और कतर सहित अन्य देशों द्वारा मध्यस्थता की गई। वार्ता बार बार रुकी है, जिसमें दोनों ही पक्ष प्रगति की कमी के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने कहा कि इजराइल को हर वो कदम उठाना चाहिए जिससे वो जंग जीत सकता है। अमेरिकी मीडिया में बातचीत के दौरान ग्राहम ने कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में जब पर्ल हार्बर हमले के बाद अमेरिका ने तबाही देखी, तब हमने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जंग खत्म कर दी। ग्राहम ने कहा कि इजराइल को भी यही करना चाहिए। वहीं अमेरिकी यहूदी देश को युद्ध खत्म करने के लिए बम जरूरी है। इजराइल किसी भी कीमत पर यह जंग हार नहीं सकता। जापान पर परमाणु हमला करना सही फैसला था। अब इजराइल को भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे फैसले लेने हो सकते हैं। अमेरिकी सांसद ने इजराइल को 2000 पाउंड के बमों की खेप रोकने पर अमेरिकी सरकार की भी आलोचना की। वहीं सांसद ने कहा कि गाजा में हमास पर हमले के बीच फिलिस्तीनियों को नहीं बचाया जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास उन्हें ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है। गाजा युद्ध के बीच चीन दुनिया भर के मुस्लिम देशों के साथ बैठक कर रहा है। इस बैठक में चीनी राष्ट्रपति शी ने मध्य पूर्व में जबरदस्त पीड़ा की निंदा की और एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आह्वान किया। शी ने चीन और अरब राज्यों के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक के उद्घाटन पर कहा कि पिछले अक्टूबर से फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष में भारी वृद्धि हुई है, जिससे लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध अनिश्चित काल तक जारी नहीं रहना चाहिए। न्याय हमेशा के लिए अनुपस्थित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए चीन के आह्वान को भी दोहराया। साथ ही बीजिंग ने अधिक व्यापक आधारित आधिकारिक और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन के लिए समर्थन दिया। हालांकि हमारा मानना है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। आतंकवाद किसी भी देश का निजी मुद्दा नहीं हो सकता। आतंकवाद जैसी गतिविधियों के खिलाफ पूरे विश्व को एक होना होगा, तब जाकर ऐसे खौफनाक मंसूबों पर विराम लग पाएगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमें या हमारी अगली पीढ़ी को विश्व युद्ध का सामना करना पड़ जाए। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।